सोनी का PS4 कितना जीबी है? ये है 1 TB आपका, गेम्स डाउनलोड होता है 100 रुपीज में, 100 रुपीज में PS4 पर कोई भी गेम, पर गेम। प्ले स्टेशन 3 है ये गेम्स चल रहा है, इसमें लोडिंग हो रही है जी। रेंज में आपको मिल जाएगा PS Vita, PlayStation Vita, PS3 का कंट्रोलर है, PS3 का है, ठीक है, आता है मेरे पास। ये फुल्ली ओरिजिनल कैसा होगा, बिल्कुल ही फुल्ली ओरिजिनल गाइस, देख सकते हैं फुल टिंच कंडीशन में मिल जाएगा PlayStation 2। ये आपका जो है पेन ड्राइव के साथ, मैं रिपेयरिंग करने जा रहा था, Xbox One S है, One S है, 4 भी है, अभी बनने आया हुआ मेरे पास, फाइट वाला PS4 है, इसकी HDMI वर्क नहीं कर रही है। सो हेलो गाइज, दिस इज प्रखर अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज आज की वीडियो गेमिंग से रिलेटेड होने वाली है। आज चल रहे हैं लखनऊ के होलसेल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट नाका हिंडोला में, वहाँ पे एक बहुत बढ़िया सी शॉप है जहाँ पे सेकेंड हैंड गेमिंग कंसोल सारे मिलते हैं, PlayStation, Xbox और सबकी गेमिंग DVD भी, रिपेयर वर्क भी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज ये मेरे पीछे शॉप है और आइए आपको यहाँ के ओनर से मिलवाते हैं और सब डिटेल्स बताते हैं। तो अंकल बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार आपके सभी सब्सक्राइबर को, मैं नमस्कार। हाँ अपनी शॉप के बारे में बताइएगा। मेरी शॉप का नाम गेम पैलेस है। गेम पैलेस, हाँ, और हम कई 20-22 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारा मेन काम जो है रिपेयरिंग का है, प्ले स्टेशन का, Xbox है, सोनी के प्ले स्टेशन जितने भी आते हैं उन सबका है। अच्छा, और यहाँ मार्केट के लोग भी हमें से रिपेयर करवाते हैं, बाहर से जो आते हैं वो तो करते ही हैं, बड़े रीजनेबल रेट पे हम लोग काम करते हैं जी। और अपने स्टोर का पूरा प्रॉपर लोकेशन बता दीजिए, ऐसे कोई आना चाहे तो क्या लोकेशन पड़ जाएगी? हाँ ये हमारा जो है अंबर मार्केट में शॉप नंबर 76A है, इसकी एंट्री जो है गेट नंबर 3 से जी आएंगे, वहीं पे पड़ेगा ये जी। ओके जी, हाँ जी भैया, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जी स्टार्ट करते हैं प्ले स्टेशन फोर से जी। ये PlayStation 4 है सोनी का, सोनी का PS4, हाँ, कितना जीबी है? ये है 1 TB आपका, 1 TB वेरिएंट। इसमें क्या है, जेल ब्रेक हो जाता है, ये जेल ब्रेक है, हाँ, इसके अंदर सारे गेम्स जो है डाउनलोड हो जाते हैं 1 TB में, और गेम्स या डाउनलोडिंग लगे भी हुए हैं जी। ये PlayStation 3 में देख ली, इस टाइम डाउनलोड हो रहा है जी, ये लगा हुआ है कंसोल, इसमें गेम्स डाउनलोड हो रहे हैं। तो PS4 कितने का पड़ेगा भैया? PS4 अभी तो इस टाइम पे शॉर्टेज चल रही है फिलहाल, अभी मार्केट में कुछ थोड़ा डाउन है, जब मार्केट में डाउन नहीं होता है तो कम से कम 20,000 के अप्रोक्सिमेटली में रेट में मिल जाता है। 1 TB वेरिएंट, 1 TB, और उसमें गेम्स लोडिंग का क्या प्राइस है? गेम्स डाउनलोड होता है 100 रुपीज में, 100 रुपीज में PS4 का कोई भी गेम, हाँ, पर गेम। ओके, और PS3 दिखा दीजिए। हाँ PlayStation 3 है ये गेम्स चल रहा है, इसमें लोडिंग हो रही है जी। हाँ PS3 में जेल ब्रेक होने के बाद आपका 50 रुपए पर गेम के हिसाब से होता है, 50 रुपए में कोई भी गेम जी, कोई भी PlayStation 3 का कोई भी गेम डाउनलोड हो जाता है, हो जाता है। और PS3 कितने का पड़ेगा? PS3 आपका सेकंड हैंड में 12,000 से 13,000 की रेंज में मिलेगा, जेल ब्रेक वाला 500 GB होगा, 500 GB PS3 मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या दिखाएंगे? उसके बाद ये PlayStation Vita है, PS Vita, हाँ, ये भी 10,000 से 12,000 की रेंज में मिल जाता है, 10,000 से 12,000, ये भी एक तरीके का जेल ब्रेक होता है जी। इसमें भी गेम्स डाउनलोड हो जाते हैं जी, गेम चल जाते हैं इसमें भी। अच्छा ये कितने का? ये 10,000 से 12,000 के आसपास की रेंज में मिल जाता है, 10,000 से 12,000 रेंज में आपको मिल जाएगा PS Vita, PlayStation Vita, मिंट कंडीशन है पूरी, हाँ, है ना, ठीक है। और अब क्या दिखाएंगे? कंट्रोलर्स हैं मेरे पास, कंट्रोलर, ये PS3 का कंट्रोलर है, PS3 का है और PS2 का है, क्या क्या प्राइस अलग अलग कलर के हैं PS2 के, PS2 का कंट्रोलर क्या प्राइस होगा? PS2 का जो है आपका अभी तो फिलहाल 330 रुपए का प्राइस है, 330, हाँ, जो रिपेयरेबल होगा, चिप वाला नहीं होगा, रिपेयरेबल, हाँ, जो यहाँ पे रिपेयर हो जाता है वो वाला होगा। और PS3 का कंट्रोलर कितने का? PS3 का जो है ये 1,000 रुपए की रेंज में है, कॉपी वाला है, फर्स्ट कॉपी है, फर्स्ट कॉपी, हाँ, बेहतरीन रिमोट है, बेहतरीन जो कंट्रोलर ये रिपेयर हो जाता है, रिपेयर हो जाता है। इसका मार्केट में दो तरीके का माल आता है, एक तो सस्ता वाला होता है वो हम लोग नहीं रखते हैं, उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, खराब होता है बहुत ज्यादा वो, अच्छा, तो हम लोग ये वाला बेचते हैं, ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। और PS4 का भी कंट्रोलर, PS4 का भी कंट्रोलर मिल जाएगा मेरे पास, PS4 का मेरे पास रिफर्बिश्ड मिल जाएगा, रिफर्बिश्ड PS4 का कंट्रोलर इस तरीके का आता है मेरे पास, ये फुल्ली ओरिजिनल कैसा होगा, बिल्कुल ही फुल्ली ओरिजिनल, फुल्ली ओरिजिनल कंट्रोलर है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका क्या प्राइस होने वाला है?
ये आपका पड़ेगा 2500 से 3000 की रेंज में, 2500 से 3000 की रेंज में होगा। एकदम बेस्ट कंट्रोलर होगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। ओके। और यहाँ पे ये PS4 का पूरा कंट्रोलर रिपेयर हो जाता है, ऑल ओवर कोई भी प्रॉब्लम्स हो पूरा रिपेयर, पूरा सोल्यूशन है इसका, पूरा रिपेयर हो जाएगा। और PS2 भी दिखा दीजिएगा भैया, प्लेस्टेशन 2 भी मिल जाएगा मेरे पास। ये PS2 मिंट कंडीशन में है, बिल्कुल टिंच कंडीशन में मिल जाएगा प्लेस्टेशन 2। ये आपका जो है पेन ड्राइव के साथ 3000 से 4000 की रेंज में मिलता है, गेम लोड कर गया, गेम लोडेड 32GB पेन ड्राइव के साथ। अच्छा, PS2 में गेम लोडिंग का क्या प्राइस है भैया? PS2 में अभी तो डाउनलोडिंग जो है इसमें 32GB पेन ड्राइव जो है आपकी 150 रुपए में लोड होके मिलती है, 150 रुपए में 32GB पेन ड्राइव पूरी फुल कर, पूरी फुल करके गेम से जी। अच्छा चलिए ठीक है जी, भैया आप क्या बताएंगे जी? मैं तो ये बात करूंगा कि सबसे ज्यादा मेरे पास जो मैं फेमस है शॉप मेरी जी, तो वो सिर्फ रिपेयरिंग के नाम से है, रिपेयरिंग के नाम से जी, रिपेयरिंग के नाम से ज्यादा फेमस है जी। मेरे पास ऑल ओवर हर तरीके के गेम रिपेयर हो जाते हैं यहाँ पे, चाहे वो PS2 हो, PS3 हो, PS3 हो, 4 हो, Xbox One हो, 1S हो, और PS5 PS5 भी रिपेयर हो जाता है, 5 आपने करा है रिपेयर? 100% रिपेयर होता है, 100% आप कर लेंगे, 100% रिपेयर होता है, किसी भी तरीके की कोई भी फॉल्ट हो, फॉल्ट हो। और जैसे ये यहाँ पे रखा हुआ है, आप रिपेयर ही कर रहे हैं? देखिए हाँ, मैं ये रिपेयरिंग करने जा रहा था, Xbox One S है, One S है। अभी इसमें सप्लाई की प्रॉब्लम आई है, सप्लाई पावर सप्लाई की प्रॉब्लम आई है, इसमें बनाना है इसको, पावर सप्लाई की प्रॉब्लम जी। तो इसमें कितना खर्चा आएगा, कितने में बन जाएगा ये? आई थिंक इसमें सप्लाई अगर चेंज होएगी तो चेंज में ज्यादा खर्चा आएगा, और अगर यही बन गई तो कम खर्चा आएगा, कम खर्चा जी। ये भी है, प्लेस्टेशन 4 भी है, अभी बनने आया हुआ है मेरे पास, फाइट वाला PS4 है, इसकी HDMI वर्क नहीं कर रही है, HDMI वर्क नहीं कर रही है, इसको HDMI बननी है। तो ये कितने में रिपेयर हो जाएगा? HDMI की प्रॉब्लम जो है यहाँ पे 1500 से लेके 2000 रुपए तक में सॉल्व हो जाती है, 1500 से 2000 में रिपेयर सॉल्व हो जाती है। और PS2 जैसे मान ले, तो PS2 में क्या खराबी आती है? ये मान के चलिए सबसे मिनिमम फॉल्ट जो आती है वो 300 रुपए से स्टार्ट है, 300 रुपए जी, 300 रुपए से स्टार्ट है, और मैक्सिमम उसमें फॉल्ट जो होती है वो करीब आपकी 700-800 रुपए तक आती है, 700-800 रुपए तक मैक्सिमम फॉल्ट आती है, PS2 रिपेयर हो जाता है। और PS3 का भी बता दिए कि कैसे क्या रिपेयर, क्या प्रोसेसर? PS3 में देखिए प्रॉब्लम जो होती है सबसे ज्यादा वो प्रोसेसर से होती है, प्रोसेसर जी, अगर वो प्रोसेसर से प्रॉब्लम आती है तो वो नहीं बन पाती है, वो नहीं बन पाती हाँ, प्रोसेसर से नहीं बनती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे स्विच में है, ब्लूटूथ है, वाईफाई नहीं कनेक्ट हो रहा है, HDMI नहीं चल रही है, पावर सप्लाई नहीं आ रही है, तो वो सब रिपेयर हो जाती है बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, बहुत ही रीजनेबल। सबसे ज्यादा कंट्रोलर PS2 PS3 PS4 कंट्रोलर तो आप कोई भी मेरे पास ले आओ, PS5 से लेके PC से, PS5 का, PS4 का, PS3 का, किसी भी तरीके का कंट्रोलर रिपेयर हो जाता है, सारे कंट्रोलर रिपेयर हो जाते हैं। और भैया जैसे लखनऊ से बाहर के जो लोग हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे जी, जी, तो उनके लिए डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल है? जी डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें थोड़ा समय लगता है, डिलीवरी भी हो जाएगी, शिपिंग कस्टमर को देनी होगी, शिपिंग कस्टमर को देनी होगी, वो तो जो भी होगा हम लोग समझ बता लेंगे, तो बाकी स्क्रीन पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है जी, चल ही रहा, जिसको विजिट करना है वो शॉप विजिट कर सकता है, बिल्कुल। और रिपेयर के लिए अगर किसी को बाहर से भेजना है तो वो भी भेज सकता है अपना जी, जी जी, कहीं से भी हो, ऑल इंडिया में कहीं से भी, तो आप रिपेयर करके उसके एड्रेस पे वापस कुरियर करा देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगर आपको और वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस टॉपिक पे चाहिए, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।